क्या आप अपने सपनों के आशियाने के लिए या व्हीकल खरीदने के लिए या अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए बैंक से या किसी निजी संस्था से लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर लीजिए, मगर उससे पहले अपना सिविल स्कोर ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन लेने में भी बहुत आसानी होगी। अब आती है बात कि ये सिविल स्कोर होता क्या है। सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच तीन अंकों का एक नंबर है। यह व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री बताता है। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है कि कभी आपने जब लोन लिया था तो आपने बैंक से या जो भी जिस संस्था से लोन लिया था उसमें लेन देन आपका कैसा रहा है, क्या आपने टाइम से पैसा चुकाया है, किस तरीके से आपने करा है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर बनता है। इस स्कोर को मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी कि ये किस तरीके से होता है। अगर आपका स्कोर क्रेडिट स्कोर 300 से 550 है तो ये वीक आपका क्रेडिट स्कोर माना जाता है। 550 से 650 है तो ये आपका एवरेज औसत स्कोर माना जाता है, और 650 से 750 है तो ये एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है, और यदि 750 से 900 आपका सिविल स्कोर तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, यानी कि आपकी क्रेडिट जो है बहुत अच्छी है। तो उस समय क्या होता है, जब आप किसी भी बैंक से या कहीं भी निजी संस्था से लोन लेते हैं तो आपके सिविल स्कोर के द्वारा ही ब्याज का परसेंटेज डिसाइड होता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप पे ब्याज भी कम पड़ेगी, और आपका सिविल स्कोर वीक है तो आप पे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ता है। और लोन का भी यही होता है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको जल्दी जो रिलीज हो जाता है फंड, लोन आसानी से हो जाता है, और आपका सिविल स्कोर वीक होता है तो आपको लोन लेने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर जो है अच्छा रहे तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर जो है अच्छा बना रहेगा। उसमें क्या करना है, एक साथ आपको कई लोन लेने से बचना है। बहुत सारे लोग करते हैं कि कई लोन ले लेते हैं कि हम चुकाते रहेंगे अपनी सैलरी में से, तो वो गलत हो जाता है। लोन जो है दो तरीके से होते हैं, सेफ लोन और एक अनसेफ लोन। अब सेफ लोन में कौन से आते हैं, जैसे होम लोन ले लिया हमने, एजुकेशन लोन ले लिया, ऑटो हमने कोई व्हीकल लेना है उसके लिए लोन ले लिया, ये हमारे सेफ लोन होते हैं। अनसेफ लोन क्या होते हैं, हमने पर्सनल लोन ले लिया अपने लिए, या हमने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने के लिए लोन ले लिया। अब ऐसे हम कई सारे लोन अगर एक साथ ले लेंगे तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जिससे हमारा सिविल स्कोर जो है डाउन हो जाता है। दूसरी है, अगर हमारा जो बैलेंस है जो हमें पे करना है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। क्या होता है कि अगर हम लंबे समय तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कायदे से पे नहीं करते हैं, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। उससे क्या होता है, इरेगुलरिटी होने से ये आपके सिविल स्कोर में सिविल स्कोर को डाउन कर देता है। अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो उसका तरीका ये होता है कि जो भी उसकी किस्त बनी है, जो भी उसकी ईएमआई है, वो टाइम से रेगुलरिटी के साथ पे होनी चाहिए, जिससे आपका सिविल स्कोर अच्छा बनता है। तीसरा, संयुक्त खाते को लेकर सावधान रहें। संयुक्त खाता खोलने या लोन गारंटर बनने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कर्ज लेने वाला भुगतान नहीं कर पा रहा है और आप उसका गारंटर बने हुए हो तो गारंटर को उसका लोन चुकाना पड़ेगा और उससे उसका सिविल स्कोर भी गिर जाएगा। तो हमेशा गारंटर बनने से बचें, क्योंकि गारंटी करने वाले की ड्यूटी होती है कि अगर कर्ज लेने वाला अपना पैसा नहीं चुका पा रहा है, वो कर्ज नहीं दे पा रहा है, तो गारंटर को ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, और अगर गारंटर भी उसका पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो अगर आप सिविल स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो गारंटर बनने से बचें, तो इसका ध्यान विशेष रखें। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, अगर आपका सी जो सिविल रिपोर्ट है उस पर हमेशा नज़र रखें। क्रेडिट स्कोर में तभी सुधार संभव है जब उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी हो, इसलिए सिविल स्कोर पर रेगुलर नज़र रखें, यानी कि उसे वॉच करते रहें कि क्या चल रहा है। पांचवा है हमारा, मिनिमम पेमेंट की आदत से बचें। अक्सर हम क्या होता है कि हमारे पास खर्चे, हमने लोन बहुत ले रखे होते हैं तो हम सोचते हैं मिनिमम जितना देना है उतना दे देते हैं, बाकी हम बाद में इसका पेमेंट करते रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम मिनिमम की आदत डाल लेते हैं और मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं। इसका असर जो है हमारे सीधे सिविल स्कोर पर पड़ता है और हमारा सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है।
तो आपको क्या करना है कि जो भी हमारी ईएमआई बनी है, लोन की ईएमआई बनी है, उतना तो आपको प्रॉपर पेमेंट टाइम टाइम करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, ख़राब नहीं होगा। तो आप सबसे पहले अपने सिविल स्कोर को ज़रूर सुधारें। अगर आपने कोई भी चीज़ें इस तरीके से कर रखी हैं, लोन लेने के बाद आप लापरवाही कर रहे हैं, तो उस लापरवाही से बचिए और इन 5 बातों को ध्यान रखिए जो अभी मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, तो आगे आप कभी भी जब लोन लेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी और आपको इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो अवश्य बनाइए, बस थोड़ी सी सावधानी के संग। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मैं समय समय पर आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी ऐसी ही वीडियो जानकारी के संग लेके आती रहूं। तब तक के लिए सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।